आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों L2541DW मॉडल में आधार कार्ड को जीरोक्स कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। देखिए स्कैनर है, आप अपना तरीका से जहां पर फोटोकॉपी जिस तरीके से करते हैं उस प्रकार से रख लीजिएगा। ओके, मैं आपको ये सेटिंग्स सिर्फ बताने वाला हूं दोस्तों, और इस सीरीज में हम लोग सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वालिटी पर जानी है, यहाँ पर ओके कीजिएगा प्रेस, देख सकते हैं ये बटन पर, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट ढूंढनी है, टेक्स्ट देख सकते हैं ये मैं टेक्स्ट में ढूँढा और ओके कर दिया। चलिए उसके बाद फिर इस पर जानी थी ये ऑप्शन पे, और यहाँ देखिए क्वालिटी है, इस पर ओके कीजिएगा। टेक्स्ट तो मैंने कर लिया था, फिर आगे बढ़िए। चलिए फिर इस पर गया, फिर प्लस सिंबल है, इस पर हम प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको कॉन्ट्रास्ट, ओके कॉन्ट्रास्ट जो है अपने तरीका से दो पर ही सेट कर लीजिएगा, और इसको ओके कर लीजिएगा। ओके चलिए फिर मैं यहाँ गया और ब्राइटनेस को सेट करने वाला हूँ इस बार। यहाँ देखिए प्लस सिंबल है, उसको यूज कीजिएगा, ये प्लस वाला। देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है, ब्राइटनेस ओके कर लीजिएगा, यहाँ पर 4 रखिएगा। तो अगर इतना सेटिंग कर लेते हो तो आपका आधार कार्ड का जीरोक्स बहुत ही अच्छे तरीके से सुसज्जित ढंग से हो जाएगा। अगर आपका पासबुक है बैंक का, अगर वो फोटोकॉपी करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना दोस्तों, क्योंकि पासबुक जो होता है किसी बैंक का बहुत ज़्यादा डार्क होता है, किसी का कम होता है, डार्क होता है तो दोस्तों उसके लिए कुछ नहीं करना है। मैं इन सभी के ये क्लियर कर देता हूँ सेटिंग्स को। चलिए यहाँ पर फिर से ऑप्शन पर गया, और यहाँ पर मैं क्वालिटी तो सेट कर चुका हूँ। देखिए प्लस पे प्रेस कीजिएगा, देखिए यहाँ पर दिखाएगा कॉन्ट्रास्ट अगर ज़्यादा है। देखिए किसी में समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स में जो थिकनेस से ज़्यादा है कोई डॉक्यूमेंट का, मतलब ये बैंक के पासबुक का, तो ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर लीजिएगा माइनस से, और एक्सेप्टेड कर लीजिएगा, इसी से ऊपर वाला से एक्सेप्ट हो जाता है, हो गया। और कॉन्ट्रास्ट को क्या कर लीजिएगा, उसको भी अपने 2-3 पर ही रखिएगा। देखिए यहाँ से मैं यहाँ प्लस वाला प्रेस करता हूँ, कॉन्ट्रास्ट को ओके किया, या 2-3 पर रखिए, बहुत ही बेस्ट तरीके से आएगा। तो आप आधार कार्ड और बैंक के पासबुक जो होता है जो धुंधला हो या डार्क हो, अगर धुंधला है तो डार्कनेस कॉन्ट्रास्ट को, मतलब ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा दीजिए, अगर वहाँ पर ज़्यादा है ब्लैक है मतलब कि वो डार्क है आपका पासबुक, तो थोड़ा कम कर दीजिए तो आपका प्रिंट सही आएगा। आप अपने प्रिंटर के तरीके से, मतलब आपका प्रिंटर कितना पुराना है, कार्टेज किस प्रकार से नया है पुराना है, उसके अनुसार ब्राइटनेस डार्कनेस को थोड़ा सेट कर लीजिएगा, और दिमाग में रखिएगा कितना पे करना है। और इस प्रिंटर से कोई फॉल्ट है, ओके आपका ड्रम रिप्लेसिंग हो गया, टेफ्लॉन रिप्लेसिंग हो गया, हल्का धुंधला प्रिंट आ रहा है, टोनर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो ज़रूर कमेंट कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस सीरीज में हम लोग यही सीखे हैं, और 1005 प्रिंटर संबंधित कोई वीडियो चाहिए तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारे वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।